पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2:46 पर पूरी दुनिया में 12 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है और ये किसी अनजान दुश्मन की तालमेल और प्लानिंग के साथ किया हुआ हमला लगता है। ये बिल्कुल किसी मिलिट्री अटैक की तरह है। हमें लॉस एंजलिस को बचाना होगा। एलियन स्पेसशिप्स धरती पर हमला करती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की जबरदस्त और खतरनाक टेक्नोलॉजी से हमारा सामना होता है और इंसान खौफ में भागने लगते हैं। ये और एलियन से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं दर्जनों साइंस फिक्शन फिल्मों और टेलीविजन शोज की कहानी का बुनियादी हिस्सा होती है। लेकिन क्या होगा अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव कल ही धरती पर आ जाए? क्या वो यहाँ शांति और समृद्धि के एक नए दौर की शुरुआत करेंगे या एक भयानक जंग शुरू कर देंगे? जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि हम अकेले नहीं हैं, उस दिन ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमारी सरकारों की ताकत और सभी धर्मों के वजूद सब कुछ मिट्टी में मिलकर रह जाएंगे। सबको एलियन से मिलना है। धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हमें भागने से पहले चलना सीखना होगा। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या होगा जब वो लौटेंगे? वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और एम करते हैं 1K लाइक्स का। अगर होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सजेस्ट करे टॉपिक पर। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है द रिटर्न। ये चीजें जब तक हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आई तब तक हमें इनके बारे में पता नहीं चला था। नासा के मुताबिक ये पानी से टर्मिनल वेलोसिटी पर नहीं टकरा रही हैं। ये टकराने से पहले धीमी हो रही हैं। हबल टेलीस्कोप की थर्मल इमेजिंग से पता चला है कि ये सारी चीजें बिल्कुल एक ही ज्यामितीय शेप की हैं। देखने में ये मैकेनिकल लग रही हैं। ये कोई मीटियोर शावर नहीं है जवानों, ये एक थ्रेट कोन डेल्टा है। सभी यूनिट्स तैयार हो जाओ। स्पेसशिप्स की एक पूरी फौज को इंसानों की दुनिया पर भयानक हमला करते देख लाखों करोड़ों लोग के होश उड़ गए। कुछ सेकंड्स में ही कई धमाके हुए और लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस की सबसे बड़ी जगह तबाह हो गई। एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है। इंसानों और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के बीच एक जंग शुरू हो गई। किसी भी बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्म की तरह बैटल लॉस एंजलिस भी आधुनिक तकनीक की मदद से दर्शकों को खतरनाक एलियन से हमारे मुकाबले की तस्वीर दिखाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है तो ऐसा नहीं है। बैटल लॉस एंजलिस की कहानी की प्रेरणा एक सच्ची घटना से मिली है जो लगभग 70 साल पहले हुई थी। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। 1942 के शुरुआती महीनों की बात है। ये शहर खौफ में जी रहा था। हाल ही में पर्ल हार्बर पर अचानक हुए हमले की वजह से अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर टू का अहम हिस्सा बन गया था और इस डर से कि जापान समुद्री या हवाई हमला कर सकता है, अमेरिकी फौज हमेशा चौकन्नी रहती थी। पर्ल हार्बर की याद लोगों के जहन में तब भी जिंदा थी। लोग दहशत में जी रहे थे। चारों तरफ डर का माहौल था। जापानीज अमेरिकन्स को इंटर्नमेंट कैंप्स में रखा जा रहा था। अटलांटिक ओशंस में जर्मन यूबोट्स घूम रही थी। पैसिफिक में जापानीज सबमरीन्स थी। लोगों की नींदें हराम हो चुकी थी। आपसी तालमेल के साथ सुरक्षा बनाए रखने के लिए एयर रेड वार्डन्स और कोस्ट गार्ड दोनों पैसिफिक समुद्री तट पर पूरी मुस्तैदी से नजर रख रहे थे। जब जंग शुरू हुई तब मैं 13 साल का बच्चा था। फिर एक रात को, ये फरवरी 1942 की बात है,
बीच रास्ते में जोर जोर से सायरन्स बजना शुरू हो गया, ब्लैकआउट हो गया। उससे पहले भी कई बार ब्लैकआउट हुए थे। 25 फरवरी को तब सुबह के 3:12 और 4:15 के बीच का वक्त था, जब लॉस एंजलिस में तैनात 37th कोस्ट आर्टिलरी ब्रिगेड ने एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लगातार ढेर सारे एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स दागे थे। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग, जो कि हॉलीवुड के बीचों बीच थी, उसकी छत पर से देखने वाले लोगों को सिर्फ गोलीबारी की चमक और सर्च लाइट की तेज रोशनियां दिखाई दे रही थी, जो किनारे के आसपास आसमान में कुछ तलाश कर रही थी। मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरी नींद एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की आवाज की वजह से खुली थी। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, मेरे पेरेंट्स भी उठ गए। मेरे पापा, जो एक एयर रेड वार्डन थे, उन्हें लगा कि एक खौफनाक जंग शुरू हो गई है। मेरी माँ मुझे और मेरे भाई को चिल्ला कर कह रही थी, जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप जाओ। लेकिन फिर भी हम बाहर आए और हमने देखा कि बाहर गोलीबारी हो रही थी, जैसे दिवाली का जश्न हो। मुझे बहुत सारे जोर के धमाकों की आवाज सुनाई दी। मेरे भाई ने और मैंने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और हमें आसमान में सर्च लाइट्स की रोशनी दिखाई दी। लेकिन वो अजीब सा यूएफओ क्या था जिस पर ये सर्च लाइट्स रोशनी मार रही थी? वो कहां से आया था? जापान से या फिर इस दुनिया के बाहर कहीं से? क्या अगले दिन द लॉस एंजलिस टाइम्स में छपी ये जबरदस्त फोटो एक अहम सबूत हो सकती है? क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट हमेशा से ही सही कह रहे थे? वो आसमान में हमारे ऊपर था, मतलब हमारे ठीक ऊपर। रिटायर्ड एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर सी स्कॉट लिटिलटन तब 9 साल के थे और हरमोसा बीच पर रहते थे, जब उन्होंने उस दिन वो अजीब चीज अपने घर के ठीक ऊपर उड़ती हुई देखी। हमने कुछ उड़ते हुए देखा और मेरी माँ उसे सिल्वर बग कह रही थी। मेरे हिसाब से वो एक सिल्वर लॉजेंस जैसा लंबा ओवल शेप का था। मैंने जो देखा वो कभी नहीं भूलूंगा मैं। वो सर्च लाइट्स की रोशनी में नहाया हुआ था और उसके चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स दागे जा रहे थे। वो धीरे धीरे ऐसे गया और फिर नीचे आते हुए दिखाई देने लगा और उस इलाके की तरफ गया जहां आज रुडोंडो बीच है। फिर वो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन गोलीबारी होती रही और उसके तुरंत बाद मैंने देखा, बल्कि हम सब ने देखा कि कई प्लेन्स उसके पीछे गए और हमारे ऊपर से निकले। वो 4-5 इंटरसेप्टर्स थे, जो कि पिस्टन से चलने वाले अमरीकी प्लेन्स थे। सरकार ने कभी ये कबूल नहीं किया कि उन्होंने उस दिन यहां प्लेन्स भेजे थे। हमें पहले लगा कि वो अजीब चीज जापानीज ऑब्जर्वेशन प्लेन होगी, लेकिन बाद में जापानीज रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि उस रात ही नहीं बल्कि कभी भी सदर्न कैलिफोर्निया में कोई जापानीज प्लेन नहीं आया था। जब यह साबित हो गया कि कोई भी जापानीज प्लेन अमेरिकन एयर स्पेस में नहीं आया था, तो सेक्रेटरी ऑफ नेवी फ्रैंक नॉक्स ने कहा कि यह घटना जंग की वजह से फैली घबराहट का नतीजा थी। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिमसन ने तुरंत इस बात को नकार दिया और कहा कि उस रात फौज एक असली एयरक्राफ्ट पर हमला कर रही थी और आज तक किसी को पक्का नहीं पता कि उस दिन लॉस एंजलिस के आसमान में कौन या क्या उड़ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि लॉस एंजलिस एयर रेड असल में एक सोची समझी ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और कुछ नहीं। उनके मुताबिक फौज ने वो काम इसलिए किया था ताकि जनता को एक असली हमले के लिए तैयार कर सके। दूसरे लोग कहते हैं कि वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट असल में एक बराज बलून था जो रस्सी टूटने से वहां आ गया था। लेकिन जिन लोगों ने उस घटना को देखा था उन्हें ये बात भी सच्ची नहीं लगती है।
एक ऐसी जगह थी जहां बराज बलून्स बंधे होते थे एल सेडांडो और डगलस नॉर्थ अमेरिका में एयरक्राफ्ट प्लांट्स के ऊपर बांध कर रखा जाता था, लेकिन वहां के बलून्स को यहां आने के लिए रस्सी तोड़कर उत्तर की तरफ सेंटा मोनिका माउंटेन्स तक उड़कर आना पड़ता। बराज बलून्स इस तरह कभी नहीं उड़ते। भले ही पूरी बात किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है कि उस रात किसी अनजान चीज पर लगभग 14,000 शेल्स दागे गए थे और एक घंटे से ज्यादा तक आसमान से श्रैपनल गिर रहे थे। लेकिन वो गोलीबारी किस पर हो रही थी? क्या फौज सच में सिविलियन की जान को प्रैक्टिस के लिए इस तरह खतरे में डालती? सब घबरा गए थे। कार एक्सीडेंट्स और आसमान से गिरते श्रैपनल लगने की वजह से 6 लोग मारे गए थे। मेरे एक दोस्त ने एक श्रैपनल को अपने पड़ोस की गैराज की छत को तोड़कर अंदर गिरते हुए देखा था। तो हाँ, भारी तादाद में श्रैपनल गिरे, उस वजह से लोगों को तकलीफ हुई थी। अगली सुबह हमारे पीछे के गार्डन में कोई चीज रखी हुई थी। मेरी माँ ने मुझे जाकर हटाने को कहा। वो एक टाप जैसी कोई चीज थी। उसे उठाने के लिए जैसे ही मैं घुटनों के बल घास पर बैठी तो मेरा घुटना कट गया। तब मुझे पहली बार श्रैपनल लगा था। मैंने तब से उसे संभाल कर रखा है। ये रहा मेरा श्रैपनल, बहुत धारदार है। हर उस संभावना को देखते हुए मेरे ख्याल से वो चीज, और मैं पूरी जानकारी के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है सबसे सही जवाब यही है कि वो चीज एक यूएफओ थी। वो इस दुनिया की नहीं थी, वो किसी दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी थी। अगर ये सच है तो वो घटना ऐसी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी जिनमें ढेर सारे लोगों ने एक यूएफओ देखा था। उसे 10,00,000 से ज्यादा लोगों ने देखा था। भले वो यूएफओ रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन उस रात जिन लोगों ने आसमान में उसे देखा था उन्हें आज भी सब कुछ एकदम अच्छे से याद है। इतने अच्छे से कि उनमें से कई लोग सैन पेड्रो कैलिफोर्निया में फोर्ट मैकार्थर पर हर साल इस रहस्यमय घटना की एक्टिंग करने के लिए इकट्ठे होते हैं। पूरा शहर घबरा गया था। सबको लगा कि हम पर जापानीज प्लेन हमला कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वो वेदर बलून था, कुछ लोगों ने कहा कि वो प्लेन था, उन्होंने प्लेन ही देखा था, और औरों ने कहा कि वहाँ कोई प्लेन नहीं था। तब वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हमें पता भी नहीं चलता हमला किस पर कर रहे थे, कि वो एक वेदर बलून था या उड़नतश्तरी। लेकिन जो लोग मानते हैं कि उन्होंने उस रात एक एलियन क्राफ्ट देखा था, उनके जहन में एक सवाल अब भी है, उसका आखिर क्या हुआ? लोग कहते हैं कि वो आखिरकार समंदर के पानी में गिर गया था और नेवी डाइवर्स ने उसे निकाल लिया था। तो शायद उसे गोले लगे थे और वो क्रैश हुआ था, और शायद यही वजह थी कि जब 5 साल बाद रोजवेल में ऐसी घटना हुई तो फौज तुरंत हरकत में आ गई थी, क्योंकि शायद उन्हें पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा था कि उन्हें वहां जाने पर क्या मिलेगा। क्या सच में फरवरी 25, 1942 की सुबह को एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती पर आया था? और क्या उसका दूसरे विश्व युद्ध की वजह से दुनिया पर मंडरा रहे खतरे से कोई ताल्लुक था? शायद इन सवालों के जवाब हमें दुनिया के दूसरी तरफ एडॉल्फ हिटलर की जर्मनी के आसमान में मिल सकते हैं। ९९३ में छपी अपनी बुक द गॉड्स ऑफ ईडन में लेखक विलियम ब्रैमले ने यह लिखा था कि एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जीवों का इंसानी इतिहास में होने वाली हर बड़ी दुर्घटना से लेना देना रहा है, और उन्होंने जंग के जरिए इंसानों की बढ़ती आबादी को कम करने की कोशिश भी की है। भले ही ब्रैमले की बातों पर कई लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन एक बात है जो वो लोग भी मानते हैं, वो ये कि किसी भी जंग के वक्त यूएफओस के देखे जाने की घटनाएं हमेशा बढ़ जाती है। किसी जंग के दौरान जब भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं आपस में लड़ रही होती हैं और वो लड़ाई इतनी खौफनाक होती है कि ऐसा लगता है कि वो सभ्यताएं एक दूसरे को ख़त्म ही कर देंगी, तभी अचानक से यूएफओस दिखाई देने लगते हैं। हालांकि यकीन ना करने वाले लोग और फौजी इतिहासकार कहते हैं कि लोगों को जंग की घबराहट की वजह से ऐसा वहम होता है,
लेकिन जो यूएफओज में मानते हैं वो कहते हैं कि इतने सारे दावों को नकारा नहीं जा सकता। जब सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब कई लोगों ने जर्मनी के आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखने के दावे किए थे। हालांकि उस वक्त तक यूएफओ शब्द की खोज नहीं हुई थी, लेकिन एलाइज उन्हें बोगीज बुलाते थे और उनका मानना था कि वो नए किस्म के फाइटर प्लेन्स थे जो कि नाजीज बना रहे थे। लेकिन सबसे पहले कॉम्बैट बॉम्बर जेट्स यानी जर्मन मेशरस्मिट ME-262 को जर्मन एयरफोर्स में 1943 तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये साफ दिखाई देता था कि नाजी प्रोपल्शन सिस्टम और उनकी एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा विकसित थी। जंग में सबसे पहले जेट फाइटर उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो ऐसे हवाई जहाज बना रहे थे और टेस्ट कर रहे थे जो काफी हद तक उन यूएफओज जैसे दिखते थे जिन्हें आज भी देखा जाता है। उनके पास बेहद एडवांस और रॉकेट टेक्नोलॉजी भी थी। हमेशा से ऐसी अफवाहें सुनने में आती रही हैं कि नाजी लोग यूएफओ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हवाई जहाज बना रहे थे। 19वीं सदी के आखिर में कुछ खास लेखक हुए, जैसे एलियस्टर क्राउली, एचजी वेल्स, ब्रैम स्टोकर जिन्होंने ड्रैकुला लिखी थी और जूल्स वर्न जिन्होंने फ्रॉम अर्थ टू मून लिखी थी। वो जिस वक्त में थे उसे द गोल्डन डॉन कहते हैं। उस वक्त में लोग न सिर्फ यूएफओस पर बल्कि परग्रही जीवों के होने पर भी यकीन करते थे। उन बातों का हिटलर पर 1920 और 1930 के दशक में गहरा असर पड़ा था। आर्यन जाति की शुरुआत कहां से हुई ये ढूंढते हुए उसने इंडिया की जानकारी निकाली और वैदिक ग्रंथों के बारे में जाना जिनमें यूएफओस के बारे में लिखा है। तो एक तरह से हिटलर खुद यूएफओज में मानता था और वैदिक ग्रंथों के मुताबिक अपना खुद का एक यूएफओ बनाना चाहता था। उसे एक गजब का वंडर वॉफ यानी अनोखा हथियार बनाना था जो जंग को खत्म कर दे। हालांकि नाजीज अपना वो अनोखा हथियार कभी बना ही नहीं पाए, लेकिन जंग के दौरान जर्मन एयर स्पेस में अजीबोगरीब फ्लाइंग मशीन्स दिखने की खबर आती रही। लेकिन आखिर एलाइड पायलट्स को ऐसा क्या दिखाई दे रहा था? 1940 के दशक में जब अमेरिकन बॉम्बर्स ने कई जर्मन शहरों को धूल में मिला दिया था, जैसे कि ड्रेस्टन, हॉमबर्ग, बर्लिन, तो उन हमलों के दौरान अमेरिकन फाइटर पायलट्स को उनके प्लेन्स की तरफ रोशनी के गोले आते दिखाई देते थे। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या थी। पहले उन्हें लगा कि वो कोई खुफिया जर्मन हथियार थे, तो उन्होंने उनका नाम फू फाइटर्स रखा। फ्रेंच में फियर शब्द का मतलब होता है आग, और ये आग के गोले जैसे ही लगते थे, तो लोग उन्हें फियर फाइटर्स के बजाय फू फाइटर्स कहने लगे। उन्हें जर्मनी और वेस्टर्न यूरोप के आसमान में भारी तादाद में देखा जाता था और वहां वो लोगों को अलग अलग आकार के क्राफ्ट्स या रोशनी के गोलों जैसे दिखाई देते थे। उस वक्त ये इतनी बड़ी बात थी कि फौज का भी इस बात पर ध्यान जाने लगा और उन्होंने इस बारे में जांच शुरू कर दी। उन्हें सैकड़ों बार देखा गया, उन्होंने कभी भी किसी प्लेन को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्हें वहां हर जगह देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि जब फू फाइटर्स दिखते थे तब एलाइड फौज के जहाजों में कभी कभी खराबियां होने लगती थी, और शायद सबसे रहस्यमय बात यह थी कि कुछ पायलट्स ने कहा था कि वो उनके आर पार निकल गए थे, जैसे कि उनमें मांस ना हो। ये कभी पता नहीं चला कि फू फाइटर्स आखिर क्या थे और वो कहां से आए थे, लेकिन एलाइड फौज के ज्यादातर पायलट्स का यही मानना था कि वो कोई खुफिया किस्म के जर्मन हथियार थे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि थर्ड राइक के पास हमारे आज के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा विकसित टेक्नोलॉजी थी? कुछ लोगों का मानना है कि नाजीज ने उस जमाने में एक ऐसी विकसित तकनीक बना ली थी जिस पर वैज्ञानिक आज भी काम कर रहे हैं, मर्क्यूरी से चलने वाली एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। उसमें मर्क्यूरी को एक ग्लास बॉल जैसे क्लोज सिस्टम में रखा जाता है। उसके अंदर मर्क्यूरी को घुमाया जाता है और जब मर्क्यूरी एक जायरोस्कोप की तरह घूमने लगता है तो उससे लिफ्ट पैदा होता है। इस इलेक्ट्रिफाइड लिफ्ट से एक तेज रोशनी पैदा होती है
और यूएफओस को देखने वाले कई लोग उनके बारे में भी यही बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दौर में जर्मन्स ने बहुत भारी तादाद में मर्क्यूरी बनाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि बाद में उनकी कई यूबोट्स जिन्हें तबाह किया गया था, जैसे एक सिंगापुर के पास डूबी थी, एक नॉर्वे के पास कुछ सालों पहले ही वो बोट्स लोगों को पानी में मिली हैं और उनमें सिर्फ मर्क्यूरी भरा हुआ है। फू फाइटर्स के बारे में कुछ इतिहासकारों ने जो बात लिखी है जो कि शायद आज भी एक छुपा हुआ राज है, वो ये है कि वो असल में मर्क्यूरी की बनी हुई प्लाज्मा बॉल थी। और फू फाइटर्स का एक काम था कि उन बॉम्बर्स प्लेन्स के चारों तरफ एक हाईली पल्स्ड मैग्नेटिक चार्ज और फील्ड पैदा करना, जिसकी वजह से उनके इंजन बंद हो जाते और प्लेन के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाते। क्या सच में फू फाइटर्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए थे? अगर ऐसा है तो जर्मन्स को वो कहां से मिली? यूएफओ थियोरिस्ट्स इसके जवाब में 1936 में फ्रीबर्ग जर्मनी के पास मौजूद ब्लैक फॉरेस्ट में एक उड़न तश्तरी मिलने की घटना की तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जर्मन वैज्ञानिकों ने उस क्राफ्ट के एनर्जी और प्रोपल्शन सिस्टम्स टेस्ट करने के लिए उसकी मरम्मत की और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो उसमें मौजूद कुछ एलियन टेक्नोलॉजीज की नकल बनाने में कामयाब हो गए थे। क्या नाजीज ने उस पर कब्जा कर लिया था और क्या उन्होंने उनके साथ कोई खास सौदा किया था? क्या वहाँ नाजीज को एलियन के शरीर मिले थे? ये कहना मुश्किल है कि उन्हें वहाँ क्या मिला था। क्या वो एलियन से मिले थे? लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें एक एलियन क्राफ्ट मिल गया था और वो उसके साथ रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखा जाए तो वो उस वक्त किसी भी देश से ज्यादा विकसित थे, लेकिन शुक्र है कि अमेरिका भी काफी आगे था और हम अपने खुद के ज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से उनका डट कर सामना कर पा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन फौज ने एक एक्सरसाइज शुरू की जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन पेपरक्लिप रखा था। उसके दौरान अलाइड देशों को जर्मनी की ढेर सारी अनोखी टेक्नोलॉजीज देखने में थी, जैसे जेट इंजन एयरप्लेन्स और रॉकेट इंजन एयरप्लेन्स और ऐसे कई कमाल के डिवाइस। ऑपरेशन पेपरक्लिप में कैसी चीजें मिली थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जंग के आखिरी दौर में वॉन ब्रॉन और उनकी टीम ने ऐसे मल्टी स्टेज रॉकेट डिजाइन करना शुरू कर दिए थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स तक जा सकते थे। उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान भी बनाया था, एक गोलाकार स्पेस स्टेशन जैसा कि किसी साईफाई फिल्म में होता है, और उसके ऊपर एक विशाल सनलाइट कलेक्टर लगाने वाले थे जो सूरज की किरणों को धरती की किसी भी जगह पर डेथ रे की तरह फोकस करता था। उस टीम के पास ऐसे कई बेहद जबरदस्त आइडियाज थे जिनकी वजह से ये ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफी कीमती और फायदेमंद साबित हुआ, और वो वॉन ब्रॉन ही थे जिन्होंने आखिर में सैटर्न वी रॉकेट बनाया जो लोगों को चांद पर ले गया था। दूसरे विश्व युद्ध के फू फाइटर्स की कहानी की तरह ही बैटल ऑफ लॉस एंजलिस की कहानी भी या तो भुला दी गई है या फिर इतिहासकार अब उस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन युद्ध के दो साल बाद ही हुई एक घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या एलियंस सच में होते हैं और क्या उनका एक क्राफ्ट धरती पर आकर क्रैश हुआ था। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा से यही कहते आए हैं कि इजिप्ट के पिरामिड बनाने में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों ने कभी कोई मदद नहीं की थी। थियोलॉजियंस और धार्मिक ज्ञान रखने वाले लोग ये नहीं मानते कि बाइबल या महाभारत में दी गई कहानियां उन घटनाओं की कहानियां हैं जिनमें हमारा एलियन से सामना हुआ था, और आज तक सभी सरकारों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि धरती पर कभी भी उड़न तश्तरियों के आने या जाने की घटना हुई है। लेकिन 8 जुलाई 1947 को यूएफओ दिखने की एक ऐसी खबर आई जिसे खुद यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार भी झुठला नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि इस बार खबर किसी और ने नहीं, खुद अमेरिकी फौज ने दी थी। मैं इस वक्त फॉस्टर रेंच में चल रही हूँ जो न्यू मैक्सिको में कोरोना और रोजवेल के बीच में है।
और इसके पास ही में वो जगह है जिसका नाम है द डेब्रिस फील्ड, जो उस पहाड़ी पर है। और जुलाई 1947 में आए खबरों के मुताबिक द डेब्रिस फील्ड ही वो जगह है जहां तब एक उड़न तश्तरी या एक रहस्यमय यूएफओ का क्रैश हुआ था। वहां उस जगह जुलाई 1947 की एक रात को न्यू मेक्सिको में तेज बारिश आई और जोरों से बिजली कड़क रही थी। अगले दिन सुबह रेंचर मैक ब्राजिल बाहर ये देखने गए कि उससे कितना नुकसान हुआ था। मैक ब्राजिल ये देखने बाहर गए कि सब कुछ सही सलामत था या कोई बड़ा नुकसान हुआ था। बाहर उन्हें एक बड़े इलाके में मलबा बिखरा पड़ा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस बारे में अपने वहाँ के शेरिफ को खबर दी। 1947 में रॉजवेल में रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड मौजूद था। शेरिफ ने तुरंत उन्हें ये खबर दी। उन्होंने मेजर जेसिका मार्शल को भेजा और उस वक्त से ही वो जगह एक मिलिट्री साइट बन गई और फौज को वहाँ जितना मलबा मिला उन्होंने वो जमा करना शुरू कर दिया। अपनी शुरुआती रिपोर्ट में फौजी अफसरों ने एक अजीब सा दावा किया, ये कि उन्होंने ये मलबा पिछले हफ्ते ही जमा करना शुरू कर दिया था। लेकिन फौज ने इस बारे में मीडिया को तुरंत खबर क्यों नहीं दी और कब क्या हुआ इस बारे में वो अलग अलग बयान क्यों दे रहे थे? तो हमारे पास जो सबसे काम की चीज है वो है 8 जुलाई 1947 का न्यूज़पेपर, जिसके मुताबिक कर्नल ब्लैंचर्ड ने लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट को, जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, ये खबर दी कि उन्होंने एक उड़न तश्तरी को कब्जे में लिया है और उसे फोर्ट वर्थ में बड़े हेडक्वार्टर्स में ले जाया जा रहा है। रॉजवेल यूएफोलॉजी की सूरत बदलने वाली अहम घटना थी। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि तब फौज ने पहली बार ये कबूल किया था कि उन्हें धरती पर क्रैश हुई एक उड़न तश्तरी मिली थी, और जब उन्होंने ये कबूल किया तो जाहिर है कि बहुत हलचल मच गई थी। फिर 9 जुलाई को जनरल रैमी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि नहीं, वो तो एक वेदर बलून था, और इसी के साथ यूएफओ आने की घटना को छुपाने की कोशिश शुरू हो गई। फौजी अफसरों ने उस मलबे को पहले तो एक उड़न तश्तरी का हिस्सा बताया। उनके अंदर के रिकॉर्ड्स में ये लिखा था कि वहां घायल यात्री भी मिले थे। तो आखिर क्यों 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद उन्होंने अचानक से ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें जो मिला वो एक वेदर बलून था? हालांकि ब्लैंचर्ड और रैमी ने उसके बाद हमेशा यही बात कही, लेकिन लेफ्टिनेंट हाउट ने जिंदगी भर अपनी शुरुआती रिपोर्ट में लिखी बातों को ही सही बताया। और उन पर यकीन करने वालों का मानना है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हाल ही में शायद एक ऐसा ठोस सबूत दिया है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। जब मेजर मार्शल उस मलबे के साथ फोर्ट वर्थ पहुंचे और जनरल रामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रिपोर्टर्स को दिखा रहे थे कि वो एक वेदर बलून था, तब उनकी एक तस्वीर ली गई थी और तस्वीर में उनके हाथ में एक कागज था और वो बहुत ही छोटा सा कागज का टुकड़ा था। यहाँ उसे बड़ा करके दिखाया गया है और ये एक मेमो था। और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं जो इस कागज पर लिखे हुए शब्द पता कर रहे हैं, और उनमें ऐसे शब्द शामिल हैं, फोर्ट वर्थ में टीम है, घायलों को आगे भेज दिया है, पॉट या तश्तरी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर बनेगी शायद जनरल रामी की वजह से हमें सच का पता चल जाएगा। बॉब वुड, जो कि एक यूएफओ रिसर्चर हैं, उन्हें 1996 में कुछ खुफिया दस्तावेज मिले और उन्होंने वो मुझे और कुछ और लोगों को दिए थे। ये दस्तावेज, जिसका नाम है इंटरप्लैनेटरी फिनोमिनन यूनिट, इस पर वॉर डिपार्टमेंट का स्टैम्प है और तारीख भी है 22 जुलाई 1947 की। इस छानबीन की सबसे ज्यादा हिलाने वाली बात यह है कि इनमें कोरोना और रोजवेल के बीच के लैंडिंग जोन 1, जिसका नाम मैक बेजल साइट था, उसकी थोड़ी दूरी पर कुछ और लाशें मिली थी जो ऐसी लग रही थी जैसे कि मेंढक की तरह चीरा फाड़ा गया हो। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो इंसानों की लाशें थी या नहीं थी, लेकिन अचानक इस दस्तावेज को देखते ही मुझे जैसे एक बहुत ही तेज झटका लगा और आखिरकार में इसे 90 के दशक में पढ़कर मेरे सामने ये साबित हो गया कि हमारी सरकार ये जानती थी कि यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में रहने वाले अक्लमंद परग्रही जीव लंबे वक्त से हमारी धरती पर आते जाते रहे हैं। रॉजवेल की घटना के 5 साल बाद
यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओ शब्द की खोज की। उसके बाद से अब तक हजारों बार दुनिया भर में यूएफओज देखे गए हैं और उनकी फोटोज और वीडियोज भी लिए गए हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी और ऐतिहासिक टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से यूएफओज और उड़न तश्तरियों को लेकर हमारा नजरिया बदल गया था वो चीज़ है वीडियो कैम। मुझे वहाँ बहुत तेज लाइट्स दिखाई दे रही हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हमें बस ये देखने की जरूरत है कि मार्च 1997 में फीनिक्स एरिजोना में क्या हुआ था। उस दिन विशाल बूमरंग के आकार की उड़ती हुई चीजें फीनिक्स पर से गुजरी थी और पूरी वादी को पार करके दक्षिण में मेक्सिको बॉर्डर की तरफ गई और ये सब कैमरे में कैद हुआ था। नेटवर्क न्यूज पर ये खबरें आई, लोकल न्यूज पर भी आई, यहाँ तक कि सीएनएन पर भी लैरी किंग शो में इसकी चर्चा। अब लाइट्स वहाँ हैं, भाई और हाँ, कई लोगों ने कहा कि वो फ्लेयर्स थी, ऐसा तो वो कहेंगे ही, लेकिन सच ये है कि जब आप किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं। वो देखो, तुमने रिकॉर्ड कर लिया ना। भले ही हम उसे एक वीडियो में देखें, फिर भी हमारा नजरिया बदल जाता है। उस बीच वाली लाइट की रफ्तार तेज है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसीलिए अब हाल ही में हुए सर्विस जैसे गैलप पोल्स और रैपिड पोल्स के मुताबिक 50% से ज्यादा अमेरिकन ये मानते हैं कि उड़न तश्तरियां होती हैं और लगभग 50% लोग ये मानते हैं कि सरकार को पता है कि उड़न तश्तरियां होती हैं और सरकार ये बात छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रॉजवेल की घटना के बाद इतने यूएफओस क्यों दिख रहे हैं? क्या ये एक इत्तेफाक है या क्योंकि लोगों को एलियंस पर यकीन होने लगा है, इसीलिए जो लोग पहले उन्हें देखकर भी मजाक उड़ाए जाने के डर से चुप रहते थे वो अब सामने आने लगे हैं? शायद इसकी कोई और वजह है। शायद अब यूएफओ ज्यादा दिखने लगे हैं क्योंकि स्पेस एज की शुरुआत होने के बाद से धरती पर एलियंस का आना जाना बढ़ गया है। उससे पहले भी यूएफओज और एलियंस को कई बार देखा गया था और उनकी कहानियां सुनने में आती थी, लेकिन उनके बारे में सबको पता नहीं चलता था। और उसके अलावा उससे पहले दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि उस वक्त सच में क्रैश हुआ था तब हर खबर अखबारों में छपने लगी थी, इसलिए मुद्दा काफी मशहूर हो गया। अगर कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी दुनिया से आए एलियंस सच में हमारे बीच मौजूद हैं और उन्होंने हजारों सालों से हमसे छुपे रहने की पूरी कोशिश की है, तो क्या वो कभी अपनी सच्चाई जाहिर करेंगे? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा और क्या ऐसा कुछ अभी भी हो रहा है? शुरुआत से ही इंसान तारों को देखकर आकर्षित होते आए हैं और वो हमेशा सोच में पड़ जाते हैं। हमारे पूर्वज उनके घूमने को स्टडी करते थे, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में जानते थे और तारों के आधार कैलेंडर बनाकर वक्त का हिसाब रखते थे। इन तारों से जुड़ी हुई कई कहानियां और मान्यताएं लोगों में मशहूर थी। उनमें से कई कहानियों में धरती के बाहर से धरती पर आने वाले जीवों की बात की जाती है और कई कहानियों में यूनिवर्स में कहीं पूरी की पूरी सभ्यता होने की बात थी। जैसे कि भारत की प्राचीन संस्कृत की किताबों से हमें पता चलता है कि पूरे यूनिवर्स में 4 लाख इंसानों जैसी प्रजातियों के जीव फैले हुए हैं जो दूसरे ग्रहों, दूसरे सोलर सिस्टम्स और दूसरे डायमेंशंस में भी रहते हैं। लेकिन आखिर ये एलियन जीव है कहाँ? क्या वो बीते कल में धरती पर आए थे जैसा कि एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है और वापस लौट गए? अगर हाँ तो क्या वो कभी वापस आएंगे? आज दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने इंतजार करना बंद कर दिया है और वो अकलमंद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों को ढूंढने के लिए खुद कदम उठा रहे हैं। क्या आखिरकार टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो साबित कर पाएंगे जिस पर हमारे प्राचीन पूर्वज हजारों सालों से यकीन करते थे? 1960 में एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों पर एक अनोखा किस्म का टेलीस्कोप लगाया। ये अजीब सा डिवाइस दूसरे विश्व युद्ध के बचे हुए रिडार इक्विपमेंट से बना हुआ था, लेकिन इसमें आम टेलीस्कोप की तरह एक ऑप्टिकल लेंस नहीं बल्कि एक डायरेक्शनल रेडियो एंटीना था।
कुछ आसान सी कैलकुलेशन से ये साबित हो गया कि रेडियो टेलीस्कोप इतने काबिल हैं कि अंतरिक्ष में तारों के पास तक सिग्नल भेज सकते हैं और उन्हें पकड़ भी सकते हैं। वो कई लाइट ईयर्स तक जा सकते हैं। तो फ्रैंक ड्रेक ने एक रेडियो टेलीस्कोप आसपास के कुछ तारों की तरफ घुमाया और फिर उसे ट्यून करके देखा कि एलियन से कोई संदेश मिलता है या नहीं। ये सुनने में बहुत ही अजीब सी बात लगती है। ड्रेक को उस दिन तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसी के साथ रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जन्म हो गया था। अगर हम एलियंस को स्पेस में देख नहीं सकते तो कम से कम सुन तो सकते हैं। पहले हम लोग परग्रही जीवों को ढूंढने के लिए ये काम करते थे कि हम शांति से उनके सिग्नल्स पकड़ने का इंतजार करते थे और उनके पास भी हमारी तरह बिजली पैदा करने का जरिया होगा। और जब भी बिजली बनती है तो रेडिएशन पैदा होती है जो सिग्नल्स भेजती है और हो सकता है हम उसे पकड़ पाए। 1961 में फ्रैंक ड्रेक और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स और बायोलॉजिस्ट्स ने प्राइवेट फंडिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। उनका मकसद था विशाल रेडियो टेलीस्कोप को अंतरिक्ष पर फोकस करना और सिग्नल्स पकड़ना। ड्रेक ने यूनिवर्स में दूसरे समझदार जीव होने के कितने आसार है इस बात को पता करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम पड़ गया ड्रेक इक्वेशन। ये ड्रेक इक्वेशन वैज्ञानिकों और वो लोग जो वैज्ञानिक नहीं हैं उन्हें साथ लाती है। वो बात पता चलती है जो सबको जाननी है, वो ये है कि एलियन जीवों की यूनिवर्स में होने के कितने आसार हैं। ड्रेक इक्वेशन में कई बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि कितने यूनिवर्स तारों के आसपास ग्रह मौजूद हैं और उनमें से कितने ग्रहों पर जीवन पनप सकता है और उनमें से कितनों पर पानी लिक्विड के रूप में है और उनमें से कितनों पर समझदार जीव विकसित हो सकते हैं। और एक जरूरी बात ये है कि ऐसे जीवों की सभ्यताएं कितनी पुरानी हैं और ये बात कोई नहीं जानता। हम सिर्फ हमारी सभ्यता के बारे में जानते हैं, तो फिर हम कब तक टिके रहने वाले हैं ये पता लगाना बाकी है। अपनी इक्वेशन की मदद से ड्रेक ने हिसाब लगाया कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 करोड़ विकसित सभ्यताएं हो सकती हैं। सेटी ये मानकर चलती है कि अगर कोई एलियन सभ्यता है जो अंतरिक्ष में सफर करती है, जिनके पास विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो तो खास तरह के ही होंगे और वो बार बार एक तरह का सिग्नल भेजेंगे। इस बार बार आने वाले सिग्नल का मतलब होगा कि वो सिर्फ शोर नहीं होगा, बेकार फ्रीक्वेंसीज नहीं होंगी, बल्कि अगर हमारे साथ नहीं तो शायद आपस में बात करने की जानबूझकर की गई कोशिश होगी। 15 अगस्त 1977 में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जेरी ईमेन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में सेटी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जब उन्हें एक दोहराता हुआ सिग्नल मिला जो कि सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आ रहा था। ये सिग्नल 72 सेकंड तक आता रहा, फिर गायब हो गया। ईमन को यकीन है कि वो सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों ने ही भेजा था, लेकिन बार बार रिसर्च करने और ज्यादा बड़े टेलीस्कोप्स इस्तेमाल करने के बाद भी वो सिग्नल्स उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाया। लेकिन अगर सेटी को किसी दूसरी दुनिया में सिग्नल मिल गया तो क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेटी के पोस्ट डिटेक्शन प्रोटोकॉल के मुताबिक जैसे ही किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव से हमें रेडियो सिग्नल मिल जाए तो सबसे पहले सरकार को इस बारे में बताया जाएगा और तब तक इस खबर को छुपा कर रखा जाएगा। इस पर सरकार खुद तय करेगी कि उन्हें उन जीवों के साथ संपर्क करना है या नहीं। मेरे ख्याल से कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि वो एक खास मैसेज होता है और उसमें कोई बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है जो हमारी दुनिया को बदल भी सकती है या फिर इसमें हलचल भी ला सकती है। उस जानकारी से हमारी सभ्यता के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सेटी आसपास के तारों के करीब ऐसे रेडियो सिग्नल्स को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा है और इस काम के लिए वो दुनिया के कई बड़े टेलीस्कोप्स इस्तेमाल कर रहा है। अगले कुछ सालों में जब सेटी का नया एलन टेलीस्कोप एरी पूरी तरह से काम करने लगेगा तो वो यूनिवर्स के 10 लाख तारों के सिग्नल्स को ढूंढ पाएगा। सेटी को अभी बहुत बड़े इलाके में तलाश करना बाकी है। उनकी माने तो अभी तक उन्होंने यूनिवर्स के जितने हिस्से में तलाश की वो एक विशाल समुद्र में एक ग्लास पानी के बराबर का इलाका है। उन्हें अभी बहुत आगे जाना है। जहाँ सेटी शांति से अंतरिक्ष से आते सिग्नल्स को सुनने की कोशिश कर रही है, वहीं नासा ने एलियन जीवों से सीधे संपर्क करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने अपने स्पेस प्रोब्स में संदेश भेजे हैं। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे मुताबिक हो सकता है कि यूनिवर्स में कहीं और भी समझदार जीव हों।
लेकिन ये पता लगाना या समझना मुश्किल है कि इस बात के कितने आसार हैं कि वो जीव हमारे इतने पास में हो कि हम उनसे संपर्क कर पाए। 1972 में नासा ने अपने ट्विन पायनियर स्पेस प्रोब्स के बाहर छोटे छोटे प्लैक्स लगाना शुरू कर दिया, जो कि इंसानों की बनाई एक ऐसी पहली चीज थी जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाने वाली थी। नासा ने कॉर्नल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कार्ल सेगन से ये संदेश लिखने में मदद ली। कार्ल सेगन ऐसे एस्ट्रोनॉमर में से थे जो हमारे ग्रह से बाहर जीवन ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। वो एक बेहद जाने माने वैज्ञानिक थे, वो एक लाजवाब एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने ये समझने में हमारी काफी मदद की है कि हम यूनिवर्स में कहीं और जीवों को कैसे ढूंढें और संपर्क करें। सेगन ने सेटी के फाउंडर फ्रैंक ड्रेक के साथ मिलकर एक गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्लाक बनाया जो लगभग 6x9 इंच का था, जिस पर कई अलग अलग चित्र बने हुए थे जिनमें धरती पर इंसानों को दिखाया गया था। उसमें आदमी और औरत ने कपड़े नहीं पहने थे और आदमी ने बात करने के इशारे से इस तरह हाथ उठाया था, जिसका मतलब था कि वो हमसे बातचीत करना चाहता है। उसमें सोलर सिस्टम का एक चित्र भी बनाया गया था और पायनियर स्पेसक्राफ्ट जिस दिशा में जाने वाला था वो उस पर बना था, और सूरज के चारों तरफ 14 पल्सर स्टार का चार्ट भी बना हुआ था जिसकी मदद से कोई ये पता लगा सकता था कि ये स्पेसक्राफ्ट कहां से आया था। हमने उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग कहां पर मौजूद हैं, और ये काफी दिलचस्प सवाल है कि आप किसी को ये कैसे बताएं कि आप अंतरिक्ष में कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन जीवों को संदेश कहां पर मिलेगा। इसलिए ये बात एक अनोखी स्टिलिस्टिक डिजाइन से बताई गई। 5 साल बाद 1977 में डॉक्टर सेगन को फिर एक बार एक अंतरिक्ष में भेजने वाला संदेश डिजाइन करने का मौका मिला, जब नासा ने एक और संदेश अपने वॉयेजर स्पेस प्रोब्स पर लगाने का फैसला किया। इस बार सेगन ने एक रिकॉर्ड एल्बम बनाया जो कि गोल्ड प्लेटेड कॉपर का बना था, और साथ में लिखकर ये समझाने की कोशिश की थी कि उसे कैसे चलाना है। सेगन के हिसाब से वो मेटालिक डिस्क अंतरिक्ष में कम से कम 100 करोड़ सालों तक आसानी से टिकी रह सकती थी। टेक्नोलॉजी के मामले में एक सबसे बड़ी मुश्किल है ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढना जो वो काम कर सके जो आप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ ऑडियो को, यहाँ तक कि वीडियो इमेजेस को भी भेजना चाहते थे, पर इस तरह से कि दूसरी टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता उसे समझ पाए और देख पाए। और रिकॉर्ड प्लेयर की सबसे कमाल बात ये है कि वो मैकेनिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल भी, उस पर खांचे साफ दिखाई देते हैं, और इसलिए उन्होंने उस पर ये भी लिख रखा था कि उसे किस तरह से चलाना है। उस रिकॉर्डिंग में कई अलग अलग तरह की आवाजें थी, बच्चे का रोना, हवा, लहरों, बारिश और जानवरों की आवाज, और साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों का क्लासिकल और कल्चरल संगीत। उसमें डाला गया एक दिलचस्प गाना था, चक बेरी का रॉक एंड रोल हिट जॉनी बी गुड। म्यूजिक भेजना सही फैसला था क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज वाइब्रेट करके आवाज कर रही है, और किसी भी सभ्यता के पास संगीत तो होगा ही। मेरे ख्याल से उस रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बैक का संगीत रखा गया है, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता उन्होंने उसे क्यों चुना, लेकिन वो एक मैथमेटिकल कंपोजर के रूप में जाने जाते थे, और शायद इसलिए क्योंकि मैथ्स हर जगह चलती होगी। सेगन ने उसके अंदर इंसानों की बनाई जानी मानी इमारतों की बहुत सारी फोटोज भी डाली थी और 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स वाले संदेश भी डाले थे। मेरे ख्याल से उनमें से सबसे अहम भाषा थी सुमेरियन भाषा, लेकिन उन लोगों ने सुमेरियन भाषा को उस रिकॉर्ड में क्यों रखा था? क्योंकि एंशियंट एलियन थ्योरी के मुताबिक प्राचीन सुमेरिया ही वो जगह थी जहां पर हमारा एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से पहली बार सामना हुआ था। अब तक हमें किसी तरह के परग्रही जीवों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है क्योंकि अब तक किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से इन कोशिशों में से एक फायदा ये भी होता है कि जब भी हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे जीवों से बात कैसे करें, तो हम कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम सब एलियंस को ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो प्लानेटरी साइंटिस्ट हों जो किसी दूर मौजूद ग्रह पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हों, या चाहे वो एंशियंट एलियन थियोरिस्ट हों जो कि इस बात के सबूत ढूंढना चाहते हैं कि एलियंस बीते कल में धरती पर आए थे, या वो आज के जमाने के वो लोग हैं जो उन UFOs और एलियंस को अनुभव करना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने पहले भी यहां पर आते देखा है। हम सब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की तलाश जारी है, वहीं एक नया स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप अलग अलग ग्रहों पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं।
क्या यूनिवर्स में धरती जैसे और ग्रह हैं? अगर ऐसा है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? छह मार्च 2009 को नासा के एक डेल्टा 2 रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। उसके अंदर एक नया टेलीस्कोप था जिसका नाम जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहान केपलर की याद में रखा गया था। उस स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप को खास तौर पर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर धरती जैसे ग्रहों की खोज करने के लिए बनाया गया था। केपलर मिल्की वे के खास हिस्से में ही अपनी तलाश कर रहा है जिसका नाम है ओरायन स्पर। केपलर का मकसद है ये ढूंढना कि ये धरती जैसे और कितने ग्रह हैं। और ये पता करने के लिए केपलर अंतरिक्ष के एक हिस्से को 3.5 साल से देख रहा है। वो लगातार अंतरिक्ष में अलग अलग तारों को देख रहा है। और जब कोई ग्रह उस तारे का चक्कर लगाता है, यानी जब वो ग्रह उस तारे के सामने आता है, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ से तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो टेलीस्कोप उन तारों की रोशनी कम होने का इंतजार कर रहा है और उससे हमें पता चलेगा वहाँ पर ग्रह है। आज तक केपलर टेलीस्कोप ने इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर 5 प्लैनेट्स को ढूंढ लिया है। नासा के अधिकारियों का मानना है कि उनका मिशन पूरा होने तक वो ऐसे सैकड़ों और एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही कोई प्लैनेट मिलता है तो सबसे पहले वैज्ञानिकों को ये पता करना होता है कि उसमें पानी है या नहीं। हम धरती को देखकर कह सकते हैं कि जीवन पनपने के लिए लिक्विड पानी की जरूरत है। तो यूनिवर्स में कहीं और जीवन ढूंढते वक्त सबसे पहले पानी को तलाश करना ही सही होगा। पहले पानी ढूंढो, तो ये हमारा पहला कदम होगा। क्योंकि धरती पर जहां भी लिक्विड पानी है वहां पर जीवन पनपता है, और ये सच है। धरती पर असाधारण हालातों में भी जीवन पनप सकता है। ऐसे कुछ जीव मौजूद हैं जो समंदर के तल में धरती के अंदर से आती हुई बेहद गर्म भाप से भी जिंदा रह सकते हैं। कुछ ऐसे अनोखे जीव भी हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के वेस्ट पूल में और बहुत ज़्यादा रेडिएशन वाले माहौल में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है लिक्विड पानी। ये जानने के लिए कि किसी ग्रह पर पानी और शायद जीवन है या नहीं, वैज्ञानिक खास टेलीस्कोप के जरिए उसके एटमॉस्फेयर की जांच करते हैं। हम किसी भी ग्रह से आती हुई रोशनी को देखते हैं और फिर उस रोशनी को आसमान के इंद्रधनुष की तरह अलग अलग कर देते हैं। तो अगर हम आसमान में इंद्रधनुष को देखें और एकदम ध्यान से उस पर नजर गड़ाएं, तो हमें उसमें कुछ काली लाइंस दिखाई देंगी। हमें दिखेगा कि उन जगहों पर इंद्रधनुष में रंग नहीं है, और वहां रंग इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें धरती के एटमॉस्फेयर की गैसेस सोख लेती हैं। और दूसरे ग्रह पर इंद्रधनुष ढूंढने के बाद हम उसमें काली लाइंस ढूंढते हैं ताकि हमें पता चले कि उसके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस मौजूद हैं। ये जानने के लिए कि जीवन की वजह से एटमॉस्फेयर पर क्या असर होता है, नासा के वैज्ञानिक कैलिफोर्निया के मॉस लैंडिंग वाइल्डलाइफ एरिया में माइक्रोबियल मैट्स को स्टडी करते हैं। माइक्रोबियल मैट्स नासा के लिए कई अलग अलग वजहों से बेहद जरूरी हैं। उन माइक्रोबियल मैट्स में जो जीव होते हैं वो लगभग तब से धरती पर हैं जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। उनसे कई बहुत जरूरी चीजें बनती हैं जिन्हें हम बायोमेकर्स कहते हैं, जो दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने की हमारी इस तलाश में बहुत जरूरी हैं। तो कुछ टेक्सचुअल बायोमार्कर्स होते हैं। जब आप माइक्रोबियल मैट का एक टुकड़ा उठाते हैं और उसकी सतह को देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है। तो इन माइक्रोबियल मैट से हम एक काम ये करते हैं कि इनमें मीथेन की तादाद में होने वाले बदलाव को देखते हैं। मीथेन एक ऐसी गैस है जो कुछ ऐसे जीव पैदा करती है जो उन मैट के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती है। और जब वो मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है तो कई मशीनों की मदद से देखा जा सकता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फाइंडर, जो कि नासा की कॉन्सेप्ट मिशन से है, जो उन गैसेस को ढूंढता है जो एक्सोप्लैनेट पर मौजूद जीव पैदा करते होंगे। क्या वो कार्बन के बने हैं और हमारी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे जिंदा रहते हैं? हमारा एटमॉस्फेयर जिंदा जीवों के बिना टिक भी नहीं पाता, अब तक ये भाप बनकर उड़ जाता। तो अगर हम अंतरिक्ष में देखें और हमें एक तारे के आसपास वो केमिकल्स दिखाई दें जो कि हमें पता है कि वहाँ होते हैं जहाँ जीवन होता है, तो इस बात का ठोस सबूत होगा कि वहाँ पर जीवन मौजूद है। हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वहाँ समझदार जीव है या नहीं, पर जीवन का पता चल जाएगा।
हमारी ये यूनिवर्स जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं, इसमें हमारे प्लैनेट हंटर्स एक जैसी जगह पर तलाश कर रहे हैं जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन बुलाते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन ग्रहों के लिए वो इलाका है जहां ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी, और जीवन पनपने के लिए सही तापमान होता है। अभी तक हमें गोल्डीलॉक्स जोन में धरती के जैसा कोई भी ग्रह नहीं मिला है। एक ग्रह काफी कुछ हमारे जैसा है, उसका नाम है ग्लीज 581D, लेकिन हमें पक्का नहीं पता है कि वो ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में है या नहीं। पिछले कुछ सालों में खोज हुई है कि यूनिवर्स में एक से ज्यादा गोल्डीलॉक्स जोन मौजूद हैं, जैसे कि बर्फीले प्लैनेट एसिमल के अंदर भी जीवन मौजूद हो सकता है, जो कि छोटे ग्रह या फिर बड़े चांद होते हैं। जुपिटर का चांद यूरोपा इस बात की एक मिसाल है। यूरोपा पर बर्फ के नीचे लिक्विड मौजूद है, उसमें अंदर से लिक्विड भरा है क्योंकि उसके अंदर टाइडल हीटिंग और फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उस पर जीवन भी हो, शायद उस पर माइक्रोब्स भी हो जो कि उसकी सतह पर जमी बर्फ के काफी अंदर। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है, क्या हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और जीवन मौजूद है? उसके कई बातों का एक साथ होना जरूरी है। हमें विज्ञान की समझ होनी चाहिए, हमें सही सवाल पूछने चाहिए। काश मेरे पास एक ट्राइकॉर्डर होता जिसे मैं घुमाकर पूछ सकती यहाँ जीवन है या नहीं, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा, चालाक बनना होगा और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने होंगे जिससे इन सवालों के जवाब हमें मिल पाएं। ऐसा होना तो तय है, यूनिवर्स में कितने सारे ग्रह मौजूद हैं, तो जाहिर है कि एक दिन हमें गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद एक ग्रह भी मिलेगा। लेकिन यहाँ केपलर टेलीस्कोप ने अभी अपनी अंतरिक्ष की तलाश शुरू ही की है। वहीं नासा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की तलाश में अभी से अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, जैसे 2014 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आप इस जिंदगी में धरती जैसा ग्रह ढूंढ पाएंगे? मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल। जब मैं स्टूडेंट था तो कोई भी ये नहीं मानता था कि इस बारे में बात करने का कोई मतलब भी है। 60 और 70 के दशक में लोगों को ये लगता था कि अगर यूनिवर्स में कहीं और धरती जैसे ग्रह हों भी तो जीवन शुरू होना एक ऐसी अनोखी घटना है कि किसी दूसरे ग्रह पर नहीं हो सकती। अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हाँ, यूनिवर्स में कई जगहों पर जीवन पनपता है। सबको एलियन से मिलना है, लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, हमें भागने से पहले चलना सीखना होगा। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ 450 करोड़ साल से हैं, एक ऐसे यूनिवर्स में मौजूद हैं जो लगभग 1400 करोड़ साल पुराना है। उन धरती जैसे ग्रहों पर क्या हुआ होगा जो धरती से 500 या 1000 करोड़ साल पहले बने होंगे, आप खुद ही सोच कर देखिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हम इंसान ही ऐसे समझदार जीव नहीं हैं जो यूनिवर्स में जीवन तलाश रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि दूसरे ग्रहों के जीव भी खुद ऐसी ही तलाश कर रहे हैं? हमारे उन्हें ढूंढने से पहले उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो क्या होगा? कुछ लोग मानते हैं वो हमें ढूंढ चुके हैं। मार्च 2010 में एक रहस्यमयी टिमटिमाती लाइट क्लीवलैंड ओहायो के ऊपर तैरती लगातार 11 रातों तक दिखाई दे रही थी। हमें इस वक्त उस झील के ऊपर एक यूएफओ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से वो 270 डिग्री दक्षिण में है। वो दो चीजें हैं, उनमें से एक बाईं ओर से आ रही है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये कोई हवाई जहाज हो। अभी हो ये रहा है कि उनमें से पहली चीज यहाँ सामने आ गई है और वो वहीं पर रुकी हुई है, हवा में तैर रही है। उसमें से बहुत तेज और अलग अलग रंगों की रोशनियां निकल रही हैं। और दूसरी चीज मेरे ख्याल से उसके ऊपर के बाएं तरफ के कोने से सामने आई थी और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे बढ़ रही है। कमाल हो गया, उन दोनों ने आपस में जगह बदल ली। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो जो भी है उसे पता है कि हम उसे देख रहे हैं। क्लीवलैंड की तरह यूएफओस देखे जाने के हजारों दावे हर साल सामने आते हैं और भले उनमें से कई लोगों की गलतफहमी साबित होती है, लेकिन कई दावों को नकारना आसान नहीं है। 1991 में ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेखक और जर्नलिस्ट निक पोप को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हर साल यूएफओस देखे जाने के सैकड़ों दावों की जांच करने का काम दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 1950 के दशक में यूएफओस के मामले की जांच कर रही थी और ये जरूरी नहीं कि उन यूएफओस के मामले की जांच करने की वजह ये थी कि वो लोग इस बात पर यकीन करने लगे थे कि परग्रही जीव यहाँ पृथ्वी पर आते हैं।
वो लोग बस ब्रिटिश एयर स्पेस में होने वाली किसी भी अजीबोगरीब घटना पर नजर रखना चाहते थे। जाहिर है अगर ब्रिटेन में कुछ अजीब हो रहा था तो उन्हें उसके बारे में जानना था। मुझे ये काम दिया गया था तो मेरी सोच ये थी कि मैं ये काम लेकर इस मामले में क्या कर सकता हूँ। मुझे यूएफओस के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और ना ही उसमें दिलचस्पी है। मैं उन बातों पर यकीन भी नहीं करता था, लेकिन मैं जितना ज्यादा उन मामलों से जुड़ी फाइल्स को पढ़ने लगा और मैं जितना ज्यादा उन मामलों की जांच करने लगा जिनकी खबर मुझे हर रोज दी जाती थी, तो उसके साथ ही मेरी सोच बदलने लगी और ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ यूएफओस के मामले को आम सोच से नहीं समझा जा सकता था। वो चीज आगे बढ़ रही है। कई केसेस जिनकी पोप ने जांच की थी उनमें उन्होंने पायलट्स, पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर्स की गवाही ली थी और कई केसेस में उन्हें सबूत के तौर पर रेडार के डेटा, वीडियो और फोटोज मिले थे। एक केस जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था वो केस कॉस्फोर्ड इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि कॉस्फोर्ड यूनाइटेड किंगडम में बना एक मिलिट्री बेस है और जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 30th मार्च 1993 की रात थी, उस रात 6 घंटों के बीच ही ढेर सारे लोगों ने कई बार यूएफओस को वहाँ उड़ते देखा था। इस मामले में कई गवाह पुलिस और मिलिट्री के लोग ही थे और तो और मिलिट्री एयरफोर्स बेसिस गोफर्ड और चौधरी के ठीक ऊपर एक विशाल ट्रायंगल के आकार का क्राफ्ट उड़ता हुआ देखा गया था और उनमें से एक बेस की मीटियोरोलॉजिकल ऑफिसर ने मुझे बताया था कि वो क्राफ्ट लगभग एक जंबो जेट जितना बड़ा था और वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, फिर अचानक बेहद तेज रफ्तार से चलकर कहीं दूर गायब हो गया। उन्होंने कहा था कि वो एक मिलिट्री जेट से काफी तेज था और ये बात बताने वाले एक ऐसे इंसान थे जो 8 साल से एयरफोर्स के लिए काम कर रहे थे। इस घटना की बारीकी से जांच की थी ना सिर्फ प्राइवेट यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स ने बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, और वो भी उस घटना के दौरान देखे सारे यूएफओस के बारे में कुछ बताने में नाकाम रही थी। ब्रिटेन में यूएफओ दिखने की एक और दिलचस्प घटना दिसंबर 1980 में हुई थी। यूएस एयरफोर्स के लोग जो सफक इंग्लैंड में तैनात थे उन्होंने एक बहुत ज्यादा चमकने वाली स्पेसशिप को लगातार 2 रातों के दौरान रेंडलशैम फॉरेस्ट में उतरते देखने का दावा किया था। वो इस तरफ आ रहा है, वो यकीनन इस तरफ आ रहा है, इसके पीसेस हवा में उड़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है ये बहुत अजीब है। ये मामला इसलिए सबसे अनोखा है क्योंकि इसमें लोगों ने आसमान में अजीब लाइट्स देखने की बात नहीं की थी। ये एक जमीन पर उतरा हुआ मेटल का क्राफ्ट था जिसके बारे में कुछ गवाहों ने ये कहा था कि वो उसके इतने करीब गए थे कि उसे छू सकें। एक चश्मदीद गवाह को उसके हल पर अजीबोगरीब निशान दिखे जो देखने में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जैसे थे। उसने अपनी पुलिस नोटबुक में उसके चित्र भी बनाए थे और उनकी फोटोज ली थी। हालांकि बाद में उसे बताया गया कि उसने जो ली थी उसमें से कुछ भी नहीं था और डिफेंस इंटेलिजेंस स्टाफ ने उस लैंडिंग साइट पर रेडिएशन की जांच की और उन्होंने पाया कि वो आसपास की जगहों से बहुत ज्यादा थी और ये जांच सरकार ने खुद करवाई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस यूएफओ से जुड़ी घटना के बारे में एक बहुत बड़ी फाइल बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उस घटना के बारे में कभी भी किसी को भी पूरा सच पता चलेगा। लेकिन इतने सारे भरोसेमंद गवाह होने के बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जल्द ही उस केस की जांच बंद कर दी। 22 साल बाद जब सरकार ने रेंडलशैम इंसिडेंट से जुड़ी फाइल्स लोगों के सामने पेश की तो उनमें कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस मामले में गवाह ट्रेंड फौजी थे, इसलिए उन पर यकीन किया जा सकता था। जाहिर है कि एक यूएफओ हंटर होने के नाते मैं कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने यूएफओस को देखा है, जैसे कि मैं कभी किसी प्लेन में सफर कर रहा होता हूँ और अचानक पायलट कॉकपिट से बाहर आ जाता है, और ऐसा मेरे साथ पूरे 5 बार हो चुका है, और वो आकर कहता है कि उसने फीनिक्स में यूएफओ को देखा था या टेक्सास में यूएफओ को देखा था। मेरे आधे क्रू ने वो यूएफओ देखा था और मैं पायलट से पूछता हूँ कि क्या तुमने किसी को उसकी खबर दी थी, और वो कहता है कि जब एयरपोर्ट में बैठा फ्लाइट कंट्रोलर ये कहता है कि क्या तुम यूएफओ देखने का दावा कर रहे हो, वो हंसने लगता है तो उसे ना कहना पड़ता है। यूएफओ देखने की घटनाएं हर रोज होती हैं, असली लोग
साथ में असली यूएफओस को सच में हर जगह देखते हैं। ये घटनाएं बहुत बढ़ गई और अब कई लोग इस बारे में बात करने लगे हैं। कुछ तो जरूर हो रहा है। अब हम इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की बात करें तो ब्रिटेन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कई सालों से यही कोशिश करती रही है कि वो हमेशा इस बात को नकारती रहे। इसलिए नहीं कि वो यूएफओस के बारे में कोई सच छुपाकर कोई साजिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि उन्हीं की एयर स्पेस में कोई घूम रहा है और उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या है। कोई भी सरकार या फौज इस तरह से सामने नहीं आना चाहेगी। दिसंबर 1, 2009 के दिन ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चुपचाप यूएफओ प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसी कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि यूएफओ से यूनाइटेड किंगडम को किसी भी तरह का खतरा है। इस फैसले से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिन पर लोगों ने अपनी आपत्ति जताकर सवाल उठाए हैं। पहली बात, यूनाइटेड किंगडम में 10 सालों में यूएफओस दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं। तो लोगों को यूएफओस के रहस्य को सुलझाने के लिए 50 सालों से चली आ रही रिसर्च को एकदम से बंद करना ठीक नहीं लग रहा था। और एक और बात जिसकी वजह से ये फैसला विवादों के घेरे में आया वो है इसे ऐलान करने का तरीका। इस बारे में सबके सामने कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने बस ये कहा कि उनका डिपार्टमेंट अब इस बारे में किसी सवाल का जवाब नहीं देगा और ना ही अब घटनाओं की जांच की जाएगी। यूएफओस के बारे में जो भी खुफिया जानकारी सरकारों ने छुपा रखी है उसे सबके सामने लाने में एक अड़चन ये है कि जाने माने वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एलियन जीवों के बारे में स्टडी करना सही मायनों में एक वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है। इस डर से कि कहीं उनका मजाक उड़ाया जाएगा, इस पर रिसर्च करने वाले कई वैज्ञानिक सामने नहीं आते हैं। आजकल के बेहतरीन वैज्ञानिक जब एक दूसरे से बात करते हैं तो सारी दुनिया में उनके कुछ अनकहे उसूल और कानून होते हैं। एक उसूल ये है कि हम ये नहीं दिखा सकते कि हम धार्मिक हैं। हम उड़न तश्तरियों में यकीन नहीं कर सकते और गलती से भी उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो उड़न तश्तरियों में यकीन करते हैं। लेकिन ये सारी बातें अभी भी बंद दरवाजे के पीछे होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई नहीं चाहता कि लोगों का उन पर ध्यान जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा कोई भी रिसर्च करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसीलिए ये काम छुप कर किया जाता है और इसीलिए वो अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा दूर ही रखते हैं। किसी स्टडी में ये सोचकर आगे ना बढ़ना कि हमारे साथी हमारे बारे में क्या सोचेंगे बहुत ज्यादा गलत है। हम ये सोच सकते हैं कि क्या इस ग्रह के बाहर भी जीवन होगा। हम ये सोच सकते हैं कि क्या दूसरी सभ्यताएं भी हमारे संपर्क में आई होंगी, क्यों नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे जैसे कई वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि इस बात के आसार हैं कि इस यूनिवर्स में कहीं पर समझदार जीव हो सकते हैं, क्या ये सोच कि एलियन जीव धरती पर आते हैं इस पर भी लोग यकीन करना शुरू कर देंगे? क्या होगा जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव सच में धरती पर आएंगे और हमारे सामने आकर हमें अपने होने का सबूत देंगे? दर्जनों साइंस फिक्शन बुक्स और फिल्म्स ने ये दिखाया है कि कैसे एलियंस हमें आगाह करने या तबाह करने आएंगे। 1960 के दशक से लोग ये सोच रहे हैं कि जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। क्या उस दिन डे द अर्थ स्टूड स्टिल जैसा हाल होगा? क्या एलियंस आकर हमें आगाह करेंगे कि हमारा ग्रह तबाह होने वाला है? क्या वो हम पर हमला करेंगे जैसे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में मार्शियंस ने किया था? तो इस सवाल का जवाब जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा जटिल है। बात इतनी सीधी नहीं होगी कि कोई आकर कहेगा कि मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर कल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यहाँ पर आए तो वो हमारे दुश्मन साबित होंगे और वो हमें गुलाम बनाना चाहेंगे, हमसे जंग करेंगे और हमें तबाह करना चाहेंगे। सब यही सोचते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सभ्यता जिन्होंने दूर बसे ग्रह से यहाँ तक सफर करना सीख लिया है वो हमारे जैसी टेक्नोलॉजी के मामले में कम विकसित सभ्यता की मदद ही करेंगे। स्टैटिस्टिक्स ये दिखाती हैं कि अगर किसी परग्रही सभ्यता का जीव कभी हमारे पास आएंगे तो हम लोग उनके लिए नौसिखिया होंगे। जहाँ तक अकलमंदी की बात है तो हम लाइन में उनसे काफ़ी पीछे खड़े हुए होंगे, इसीलिए वो हमें चीज़ें सिखाएंगे। हमारे पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा।
अगर हम ये मान लें कि हमारी गैलेक्सी में हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो हमारे ग्रह पर आते जाते रहते हैं, तो इससे हमें काफ़ी फायदा हो सकता है। ऐसी कई खबरें आई हैं कि कुछ लोगों से परग्रही जीव मिले हैं और उनकी बीमारियों का इलाज किया गया है, जिससे उन लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। उनके पास विकसित एनर्जी टेक्नोलॉजी होंगी, उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मिलिट्री हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होंगी, तो हमारी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनमें हमें ये मानने से फ़ायदा होगा कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान और जानकारी है जो हमसे बांट सकते हैं। सवाल ये है कि कल को हमारा उनसे संपर्क किस तरह से होगा? अगर रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए हमारा उनसे संपर्क होगा तो एक बात तो होगी, अगर वो हमारे ग्रह पर आएंगे और वो वैसे ही होंगे जो हम यूएफओस के बारे में जानते हैं तो कुछ और होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आज के जमाने के लोग उनसे मिलने के लिए पहले से कई ज्यादा अच्छे से तैयार हैं और वो इसका दावा करते हैं। कई लोग जो ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से हमारा सामना होना तय है, वो ये कहते हैं कि सरकारों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। इस बारे में स्टडी करने को एक्सोपॉलिटिक्स कहते हैं। एक्सोपॉलिटिक्स ये सवाल करती है कि एक समाज के रूप में अगर कल को कुछ भी ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या करेगी, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं। एक्सोपॉलिटिक्स आम जनता के उन लोगों को साथ लाती है जो इसके बारे में फिक्र करते हैं और यूएफओ से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि लोग मिलकर काम करें और सरकारों से इस बारे में सारी जानकारी निकलवाएं ताकि हम ऐसे मुलाकातों के लिए तैयारी कर सकें। लेकिन अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो एलियंस भी हमसे दोस्ती करना चाहेंगे? कई वैज्ञानिक जिनमें मशहूर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग शामिल है, उनके मुताबिक एलियन जीव हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके संपर्क में ना आए। अगर परग्रही जीव या एलियंस हमारे लिए खतरनाक हुए या वो हमसे जंग करने आए तो क्या उनसे लड़ने की कोशिश बेकार होगी? धरती पर जीवन को खत्म कैसे कर सकते हैं? और ये आसान है, प्लेग के जरिए। ना जरूरत है यूएफओस की, ना आसमान से बरसती एनर्जी बीम्स की, ना धमाकों की, ना एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उड़ाने की। ये जरूरी नहीं है, हम ऐसा काम कर सकते हैं, तो एलियंस क्यों नहीं कर सकते? ये सोचना कि हम उनके खिलाफ कोई डिफेंस मैकेनिज्म बना सकते हैं या जो जीव दूर अंतरिक्ष से सफर करके यहाँ तक आ सकते हैं उनसे हम लड़ पाएंगे, ये हमारी गलतफहमी होगी। चाहे वो दोस्त बनकर आए या दुश्मन बनकर, अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव सच में यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं लैंड करते हैं तो शायद उन एलियंस के पास सबसे पहले हैजमैट सूट्स पहने हुए फौज के लोग और सरकार के अधिकारी ही पहुंचेंगे, जो जांच करेंगे कि उनमें कोई बीमारी या रेडिएशन तो नहीं है। कई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि सरकार का अगला कदम होगा इस घटना को लोगों से छुपाना। सबूत के तौर पर वो उस घटना की बात करते हैं जिसमें 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर यूएफओस देखे गए थे। उस दिन सब लोगों ने इसे देखा था कि चार यूएफओस का एक दल वॉशिंगटन के ऊपर से गुजर रहा था और वो हमारे F-93 जेट फाइटर से लड़े भी थे। जनरल सैमफोर्ड ने इस बारे में जानबूझकर या शायद अपनी मर्जी से या शायद हैरी ट्रूमन के कहने पर, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के लोगों से झूठ बोला। हमें इस बारे में कुल मिलाकर लगभग 2000 लोगों ने खबर की है और इन ढेर सारे दावों में हम ज्यादातर दावों को वैज्ञानिक आधार पर समझ पाए हैं। ये सकारात्मक बात है। उनके अपने कैप्टन रूपर्ट ने उड़न तश्तरियों पर लिखी किताब में कहा था कि सैमफोर्ड झूठ बोल रहे थे। हमारे पास डीन कॉन्डोन को भेजा गया एयरफोर्स का लेटर है जिसमें लिखा है कि वो 6 यूएफओज ही थे। तो क्या यूएफओज धरती पर हम सबके सामने आए हैं? क्या उन्होंने छुपने की बजाय खुद को हमें दिखाया है? हाँ। क्या हमने उन्हें देखा है? हाँ। इस मामले में सरकार ने कोई नियम बनाए हैं? हाँ, और वो है इस बात को पूरी तरह नकार देना। लेकिन जब एलियंस के यहाँ आने को छुपाना नामुमकिन होगा तो उनके उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने वाली जीवों से बात करने के लिए किसे चुना जाएगा? धरती के सभी देशों और उनकी सोच को कौन सबसे अच्छे से उनके सामने रख पाएगा? अगर एलियन सच में धरती पर आ जाएं, तो हमें अपने सबसे माहिर वर्ल्ड लीडर्स को भेजना चाहिए जो सबसे खुली सोच वाले और समझदार हों, लेकिन जिनमें उन एलियन से खुद की सुरक्षा करने की काबिलियत भी हो।
मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस बनाए जाने की एक अहम वजह ये भी है। हाँ, यूएनओ जंग रोकता है और गरीब देशों को खाना देता है, लेकिन दूसरी तरफ जरा सोचकर देखें कि सिक्योरिटी गार्ड खुद एलियन से बात करने जाएंगे और ये मुलाकात यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी एक बड़े स्क्रीन पर देखेंगे। मुझे ये लगता है कि ऐसी घटनाएं 1940 के दशक में भी हुई थी और रूजवेल्ट और एलेनोर रूजवेल्ट जो लीग ऑफ नेशंस की जगह जो यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे उसके पीछे भी एक अहम वजह थी कि एलियन से मिलने वाला भी कोई होना चाहिए। ये सोच कि हमारी तरफ से उन्हें बात करनी चाहिए जिन्हें चुनाव या किसी और तरीके से नेता बनाया गया है, मुझे तो नहीं लगता कि इस बात में कोई भी सच्चाई है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास उन लोगों से कई बेहतर आइडियाज होंगे जो सरकार में हैं। मैं चाहता हूं कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से बिना हुक्म जमाए उन एलियन से मिले और बात करने की कोशिश करें। फिलहाल अगर एलियंस यहाँ आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस से हमारा सामना होना तय है और हमारे वर्ल्ड लीडर्स को उस घटना के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, दूर गैलेक्सीज में हमारे दोस्त और रिश्तेदार आज भी मौजूद हैं और हमें इस मामले में पूरी कोशिश करनी होगी और किसी न किसी तरह से सरकारों से ये काम करवाना होगा कि वो दूर बसे हमारे उन दोस्तों और रिश्तेदारों के आने पर क्या करना है इससे जुड़े इस पहलू को समझकर उसकी तैयारी करें। वक्त आने पर इस काम की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये स्टेट डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन तैयार नहीं है और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सवाल है, तो हमें डिप्लोमेटिक तरीके से उन दूर अंतरिक्ष से आए जीवों से बात करने के लिए किसी ना किसी को चुनना होगा ताकि सबसे समझदार लोग ही ये जिम्मेदारी लें। भले ही आप पूरी तरह परग्रही जीवों के होने में यकीन नहीं करते हो, भले ही आपको लगता हो कि उनके यहाँ होने के आसार बहुत कम है, लेकिन अगर वो आए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए उनसे बात करने का सही तरीका सोचकर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही रोमांचक मुलाकात होगी। ये कुछ वैसा ही होगा जब पहली बार यूरोप से खोजा दल अमेरिका आए थे और उन्हें यहाँ पर एक नई और बेहद अलग किस्म की सभ्यता मिली थी। बस काश तब जो बुरे काम हुए वो दोबारा ना हो और हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव यहाँ पर आए तो वो क्या करेंगे, जाहिर है ये बात पक्के तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर लोग एक बात मानते हैं कि उसके बाद हमारी ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसका नतीजा ये होगा कि दुनिया के हर धर्म की जो पुरानी और कट्टर सोच है उसकी जड़ें हिल जाएंगी और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होने पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ इस बात पर जेनेसिस की कहानियां और दूसरे कई अहम बातों पर सवाल खड़े होने लगेंगे। हमारी सरकारों की ताकत और सभी धर्मों के उसूल सब कुछ मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन 2008 में एक हैरत अंगेज जगह से एक जबरदस्त ऐलान किया गया और कुछ लोग मानते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि एलियंस जैसे चमत्कार सच में इस यूनिवर्स में हो सकते हैं। रोम में बना वेटिकन एक मजबूत किले की तरह है जो 5वीं सदी से ही कैथोलिक चर्च की बेशुमार ताकत का केंद्र रहा है। ये ना सिर्फ उनके पोप का घर है बल्कि 100 करोड़ कैथोलिक्स के लिए एक तीर्थ की तरह है और 2000 सालों की ईसाई धर्म की मान्यताओं और परंपराओं की पहचान भी है। लेकिन 2008 में वेटिकन ने एक ऐलान किया जो कुछ लोगों के मुताबिक उनके खुद के लिए खतरा बन सकता है। वेटिकन ऑब्जर्वेटरी के चीफ एस्ट्रोनॉमर फादर गैब्रियल फ्यूनेस ने यह बात कही कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर एलियन जीव मौजूद हो और वहां भी जीवन हो। उन्होंने ये कहा कि धरती के बाहर से किसी ग्रह पर जीवन मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ईश्वर पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आज से 500 साल पहले किसी ने ये बात कही होती तो उसे सजाए मौत दी गई होती।
पोप बेनेडिक्ट जो अभी पोप हैं, वो विज्ञान की काफी कद्र करते हैं और वो समझदार जीवों को लेकर ऐसी सोच रखते हैं जो सच में असाधारण है। तो इसलिए उन्हें इस आइडिया को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं थी कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर जीवन हो। जाहिर है कि ये ईसाई के लिए बहुत ही दिलचस्प सवाल है और वैज्ञानिक तरीके से इसका जवाब ढूंढने पर ये सवाल आता है कि आप इसे ईश्वर का काम कैसे मानेंगे। कई लोग ये सोचने लगे कि चर्च ने अभी ही ऐसा क्यों किया, क्यों सदियों तक ये सिखाने के बाद कि इंसान ईश्वर की सबसे महान रचना है और ये कि यूनिवर्स में बस हम ही एक समझदार जीव हैं, आखिर अब जाकर वेटिकन ने ऐसा ऐलान क्यों किया जो ईसाई धर्म की बुनियाद को ही हिला सकता है। क्या उन्हें ऐसा कुछ पता था जो हमें नहीं पता था? ये एकदम नई बात है और चर्च के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। ना सिर्फ वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स होने के सवाल पर ध्यान दे रहे थे, बल्कि उन्हें उसे दिक्कत भी नहीं थी। ये उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव था, ये उनकी मान्यताओं से अलग सोच थी। सवाल ये है कि क्यों? क्या इस बात से और सवाल खड़े होंगे? बिल्कुल। क्या इससे कोई बदलाव होगा? हाँ होगा, लेकिन क्या इनकी वजह से हम धर्म में या ईश्वर में यकीन करना छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि कैथोलिक चर्च इसके बारे में कुछ तो जानता होगा, हो सकता है वो पहले से ही एलियन से रिश्ता बना चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि असल में वो बस चालाकी दिखा रहे हैं और पहले से ही तैयारी कर रहे हैं ताकि कल को अगर एलियन जीवों की खोज हो जाती है तो यही चालाक लोग कहीं गलत न साबित हो जाएं। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर कल को लोगों को ये पता चला कि एलियन जीवों की खोज हुई है तो लोग अपने धर्म गुरुओं की तरफ देखेंगे और उनसे इस पहेली को समझाने के लिए गुजारिश करेंगे, फिर चाहे वो ईसाई हो, ज्यूज हो, मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो। अगर परग्रही जीवों की खोज हुई तो चर्च वही करेगा जो कि हम कोई भी नई जानकारी मिलने पर करते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहस शुरू होगी या इंसानों और इंसानियत को देखने का हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें बस ये पता चलेगा कि ईश्वर ने एक नहीं बल्कि अलग अलग तरह के अकलमंद जीव बनाए और हमारी ये सोच बदलेगी कि वो सिर्फ एक ही तरह के अकलमंद जीव बना सकते हैं। ये सोच कि यूनिवर्स में कहीं और भी अकलमंद जीव हो सकते हैं, इस पर धर्म गुरुओं, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच बहस होती रहती है, लेकिन उनके होने के सबूत मिलने पर आध्यात्मिक सोच और धार्मिक उसूलों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में उनके ख्याल अलग अलग हैं। ऐसा होने पर बुक ऑफ जेनेसिस हमें जो सिखाती है उन बातों का क्या होगा? देखिए, बुक ऑफ जेनेसिस यूनिवर्स को धरती के नजरिए से देखती है। हम सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, हम तारों को देखते हैं, तो ये पता चलना कि धरती इस विशाल यूनिवर्स में बस एक हल्के नीले रंग की छोटी सी डॉट है, इससे बुक ऑफ जेनेसिस से मिली जानकारी में और बातें जुड़ जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें कोई बुनियादी बदलाव करना पड़ेगा। ये सवाल ईसाई धर्म के लिए अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ईसाई धर्म सिखाता है कि हमें मुक्ति सिर्फ जीसस के जरिए मिल सकती है जो धरती पर रहते हैं। अगर मार्स पर कोई रहता होगा तो उसका क्या होगा, उसे कौन मुक्ति दिलाएगा? मुझे नहीं पता। ईसाइयों के लिए ये हमेशा एक सवाल रहा है कि अगर कहीं पर एलियंस हैं तो क्या उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्यूज के लिए ये सवाल खड़ा नहीं होता और बुद्धिस्ट और हिंदुओं के लिए भी ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता, लेकिन ईसाई इस बात को लेकर काफी उलझन में रहते हैं। और उसकी सीधी सी वजह है, ईसाई धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर ने इंसानी रूप लिया था। इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने जीसस क्राइस्ट का रूप लिया था और खुद धरती पर सबको मुक्ति दिलाने आए थे। जब आप ईसाइयों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हमने गैलीलियो और उसके असूलों को अपना लिया, हमने डार्विन को अपना लिया, तो हम परग्रहियों को भी अपना लेंगे। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि धर्म और विज्ञान में उतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना कि ये लोगों को आमतौर पर लगता है।
उनमें कई बातें एक जैसी हैं। एक तरफ विज्ञान है जो हर बात को सबूत और जानकारी के आधार पर तोलता है, दूसरी तरफ धर्म है जिसमें आस्था और विश्वास से काम लिया जाता है। विज्ञान अभी भी विकसित हो रहा है और आज हमें विज्ञान की वजह से जो पता है वो भविष्य में जाकर कुछ हद तक या पूरी तरह से बदल भी सकता है। तो ये सोचना कि विज्ञान धर्म के खिलाफ जाकर सच्चाई को हमारे सामने लाता है तो ये बड़ी गलत बात होगी। जहां वैज्ञानिक और धर्म गुरु आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि एलियंस धरती पर आते हैं या नहीं आते हैं, वहीं एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट दावा करते हैं कि उनके यहां आने के सबूत पूरी दुनिया में हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इस थ्योरी पर यकीन कर ले तो हमें अपनी धारणाओं को और हमारे इतिहास को, खासकर इंसानी सभ्यता की शुरुआत के बारे में हमारी जानकारी को किस हद तक बदलना पड़ेगा। हजारों सालों से इंसान ऐसी घटनाओं के बारे में रिकॉर्ड्स रखते आए हैं जिनके बारे में जानकर लगता है कि आसमान के रास्ते दूसरी दुनिया के जीव धरती पर आया करते थे। इन प्राचीन घटनाओं की कहानियां उन लोगों को यकीन करने की वजह देती है जो ये मानती है बीते कल में दूसरे ग्रहों से बेहद विकसित जीव धरती पर आए थे। वो मानते हैं कि इस सोच में हम अपने अतीत के कई रहस्यों को भी समझ सकते हैं। अतीत का सबसे अहम हिस्सा है हमारे धर्म देवता, हमारे पूर्वजों के वक्त में धरती पर आए थे और वो घटनाएं पवित्र किताबों और कहानियों का हिस्सा बन गई। बाद में कुछ समझदार लोगों ने इन बातों को समझने की कोशिश की और उन्होंने अलग अलग धर्म बना लिए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि परग्रही जीव धरती पर आए थे। हम एक स्पीशीज के तौर पर आज जहां तक पहुंच पाए हैं, मेरे ख्याल से उसकी दो वजह हैं। पहली ये कि किसी ने हमारे जीन्स को जानबूझ के बदला है, और दूसरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अचानक से हमारे पूर्वज ऐसे काम करने और ऐसी चीजें बनाने लगते हैं जो हम आज भी नहीं बना सकते हैं। और प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि उस जमाने में हम काम इसीलिए कर पाए क्योंकि उन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स ने हमारी मदद की थी जो आसमान से धरती पर आए थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स सबूत के तौर पर यह याद दिलाते हैं कि दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में कितनी सारी एक जैसी बातें हैं, लेकिन इन अलग अलग सभ्यताओं के लोगों ने दूसरी दुनिया के जीवों के लिए मेगालिथिक्स के ये विशाल स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए थे, और आखिर प्राचीन ग्रंथों में आसमान में उड़ने वाले लोगों की कहानियां क्यों हैं, और आखिर क्यों प्राचीन इजिप्शियंस, होपी इंडियंस और नॉर्थ अफ्रीका की डोगोन जाति के लोग ये सब मानते थे या मानते हैं कि उनके पूर्वज उस कॉन्स्टेलेशन से आए थे जिसे हमने सिरियस नाम दिया है। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एक पैगाम छोड़कर जाना चाहते थे ये बताने के लिए कि वो कहां से आए थे, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होगा वो विशाल स्ट्रक्चर्स बनाना जिनसे हमें पता चले कि उनका घर कहां है। तो अगर हमारा सीरियस स्टार सिस्टम से कोई ताल्लुक है तो इसका मतलब ये है कि कल को जब एलियंस वापस आएंगे तब शायद वो वहीं से आएंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव होते हैं या नहीं, ये सवाल तब से हमारे मन में है जब से इंसानी सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट्स और कई जाने माने वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यूनिवर्स इतनी ज्यादा विशाल है, इसीलिए इस बात के काफी आसार है कि धरती के अलावा भी कहीं पर अकलमंद जीव रहते हों। इतिहास को लेकर हमारा नजरिया परिपक्व नहीं हुआ है, तो कोई भी नई खोज हमारे इस नजरिए को और हमारे इतिहास की जानकारी को बदल सकती है। मेरे ख्याल से जब ये साबित होगा कि बीते कल में एलियन हमारी धरती पर आए थे तो इससे दो अहम सवाल उठ जाएंगे, और वो ये है कि क्या परग्रही जीव बस यहाँ हमसे मिले और वापस चले गए, या फिर उन्हीं परग्रही जीवों ने यहाँ रुककर हमारी सभ्यताओं को विकसित करने में मदद की। मेरे ख्याल से दूसरी बात ज्यादा बड़ी साबित होगी क्योंकि उससे बहुत कुछ समझना आसान हो जाएगा। अगर ये बात सच निकली तो इतिहास बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि परग्रही जीव यहाँ पर आए होंगे और बिना कुछ पीछे छोड़े वापस चले गए जैसे वेकेशन पर आए थे।
लोग हमेशा अकलमंद और विकसित परग्रही जीव के होने का ठोस सबूत ढूंढते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक ज्यादा अहम और सही सवाल ये है कि हम और कितने और किस तरह से सबूत मिलने पर यकीन करेंगे कि वो सच में होते हैं। इस बात को साबित करने वाले कई सबूत मौजूद हैं कि इंसान के पास बेहद प्राचीन वक्त में एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल्स आया करते थे, और अगर हम इस बात को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नकार दें तो हम अपने और उस आने वाले कल के बीच एक दीवार खड़ी कर देंगे जो शायद कमाल का हो सकता है और हमें अगले लेवल तक ले जा सकता है। हम समझदार हैं, मन की बात सुनते हैं, हमारे पास सेंसेस हैं, ऐसे में खुद को विज्ञान से मिलने वाली जानकारी तक ही सीमित रखना एक गलती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं, मार्स तक का सफर कर सकते हैं, सेलफोन्स बना सकते हैं, लेकिन हम अभी तक उन बुनियादी सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाए जो सबसे ज़रूरी है। हम कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हमें अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, और शायद प्राचीन लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी थी। अगर एंशिएंट एलियंस बीते कल में धरती पर आए थे तो क्या वो यहां वापस आएंगे? अगर हां तो क्या बनकर आएंगे? दोस्त, साथी या मसीहा, या बैटल लॉस एंजलिस जैसी फिल्मों की तरह खतरनाक और बेरहम दुश्मन बनकर आएंगे? लेकिन सभी प्राचीन ग्रंथों में एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर लिखी गई है, और वो कि ये देवता एक दिन वापस जरूर आएंगे। लेकिन अगर एलियन जीव हमारी धरती पर हमला करने के मकसद से यहां आए तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? क्या हम सच में उनका मुकाबला कर पाएंगे?